नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आर्मी फिजिकल, मेडिकल और लिखित परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य मेरा केवल इतना है कि आप लोगों तक जो आपके डाउट रहते हैं कि NCC ABC सर्टिफिकेट वालों के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, किस ट्रेड में मिलते हैं, किस में नहीं मिलते हैं। और आपका एक मेरे पास में कमेंट भी आया था कि कंप्यूटर का जिन्होंने ओ लेवल का कोर्स किया हुआ है उनके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने मार्क्स मिलते हैं और उनके लिए कौन कौन से ट्रेड में ये मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ। इस वीडियो में 5 पार्ट होंगे क्योंकि वीडियो अगर मैं एक ही बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पार्ट 1 है ये। इस वीडियो में 5 पार्ट होंगे तो 5 पार्ट के लिए आप देख लेना। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ये आप 5 के 5 पार्ट आराम से देख सकें और आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो दोस्तों, ये 5 पार्ट मैं आपके लिए एक ही दिन में अपलोड करने वाला हूं, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए वुमेन मिलिट्री पुलिस क्लर्क, टेक्निकल एजुकेशन हवलदार, ट्रेड्समैन, रिलीजियस टीचर JCO, स्टोर कीपर और नर्सिंग असिस्टेंट में इनके फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट में जो भी आपसे पूछा जाएगा वो पार्ट, हर पार्ट में मैं यहाँ पर कवर करता रहूँगा। तो इंडियन आर्मी भर्ती की पूरी डिटेल इस वीडियो की सीरीज में, जो कि 5 पार्ट में आनी है, आपके लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और हाइट वेट एंड चेस्ट। तो सबसे पहले लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर कैटेगरी दी हुई है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहां पर एज दी हुई है। तो कैटेगरी में है दोस्तों, सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है दोस्तों, क्लास 10th पास होना चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो आपके लिए इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है वो आपके लिए सिंपल 10th पास होना अनिवार्य है। 10th में आपके 45% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। एज लिमिट यहाँ पर होगी आपकी 17.6 महीने से 21 साल तक, मतलब 17.5 से 21 साल तक आपकी एज लिमिट है और आप 10th पास हैं। आपके 10th में 45% मार्क्स हैं और किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं है, तो आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोल्जर टेक्निकल। तो सोल्जर टेक्निकल आपके लिए इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए विद साइंस, फिजिक्स, साइंस में आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ में, आपके साथ में आपके लिए इंग्लिश भी होना अनिवार्य है। तो आपके पास में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। इन सभी में आपके, मतलब इंटरमीडिएट क्लास में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है और किसी भी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। तो सिंपल तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको ओनली 12th पास होना है, इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। और आपको सोल्जर टेक्निकल में भर्ती देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए और आपके 12th में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। और ये 12th में आपके पास में जो भी सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट, उनमें किसी भी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट होगी वो होगी 17.6 महीने से 23 साल तक, मतलब 17.5 से 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अभी और भी बाकी बची हुई है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ पे सोल्जर क्लर्क ऑब्लिक स्टोर कीपर।
तो सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर की जो कैटेगरी है इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। उसके पास में आपके पास में आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, यहाँ पर आपके लिए टेक्निकल की तरह साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्ट, कॉमर्स या साइंस इन तीनों सब्जेक्ट से पास हैं और इंटरमीडिएट पास हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज में कुछ बढ़ गया है आपका, तो आपकी परसेंटेज स्टोर कीपर और क्लर्क के लिए 60% होना आवश्यक है। मतलब 12th में आपके 60% मार्क्स होना आवश्यक है और किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, और मिनिमम इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो ये तो दोस्तों सिंपल यही हो गया कि आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन आप पे इंग्लिश यहाँ पर अनिवार्य है। आपके पास में इंग्लिश है तभी आप क्लर्क और स्टोर कीपर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों सेम है एज टेक्निकल, एज लिमिट होगी आपकी 17.5 से 23 साल तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास में इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो अगर आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, आपके पास में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिक्स ये चार सब्जेक्ट होना अनिवार्य है 12th में, और कि इन किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब 12th में किसी भी सब्जेक्ट में, +2 में किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए और सिंगल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ओवरऑल परसेंट आपके 50% होने चाहिए और सिंगल सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों एज क्लर्क एंड टेक्निकल सेम रहेगी आपकी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी 17.5 से 23 साल। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन अलार्म्स एक्सेप्ट मेस कीपर एंड हाउस कीपर। तो दोस्तों यहाँ पर सोल्जर ट्रेड्समैन की हम बात करेंगे, एक्सेप्ट मेस कीपर एंड हाउस कीपर। मेस कीपर एंड हाउस कीपर के मैं आपके लिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती देखने के लिए आपके लिए 10th पास होना अनिवार्य है, मतलब आप सिंपल 10th पास होना चाहिए और आपके पास में किसी भी परसेंट का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपके केवल 33% मार्क्स होने चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों सेम दी हुई है 17.5 से 23 साल। नेक्स्ट आता है सोल्जर ट्रेड्समैन मेस कीपर एंड हाउस कीपर। तो मेस कीपर और हाउस कीपर ट्रेड्समैन की दो ऐसी कैटेगरी हैं जिनके लिए आपको ओनली 8 पास होना अनिवार्य है। तो अगर आप 8 क्लास पास भी हैं, मतलब आपने 8 ही किया है, 8वीं क्लास पास हैं, तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, तो दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 23 साल। तो अगर आपकी एज 17.5 से 23 साल तक है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और हमारे पास में अभी आपके लिए कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में मैं आपके लिए इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर, इसके लिए शॉर्ट में दोस्तों RTJCO भी बोलते हैं, रिलीजियस टीचर बोलते हैं जिसके लिए धर्म गुरु। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अपोनेंट टू दिस स्पेशलिस्ट ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर विल बी ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपके लिए सोल्जर, सॉरी जूनियर कमीशन ऑफिसर RT रिलीजियस टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, और आपकी जो एज लिमिट होगी दोस्तों यहाँ पे वो होगी 25 से 34 साल, लेकिन आपके लिए ग्रेजुएशन में दोस्तों संस्कृत होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हवलदार एजुकेशन इन आर्मी एजुकेशन कोर। तो दोस्तों एजुकेशन हवलदार जो होते हैं जिनको हम आर्मी के मास्टर जी भी बोलते हैं,
तो एजुकेशन हवलदार के लिए अगर आप ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई ये दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप एक्स और यहाँ पर ग्रुप वाई। तो अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एमए, एमएससी, एमसीए और बीए और बीएससी, बीसीए एंड बीएससी, आईटी विद बीएड होना अनिवार्य है। और अगर आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बीएससी, बीए, बीसीए, बीएससी, आईटी विदाउट बीएड। तो मतलब ग्रुप वाई के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है, और आप ग्रुप एक्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड होना अनिवार्य है। एज लिमिट इसकी भी सेम होगी दोस्तों, 20 से 25 साल। तो 20 से 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो पिछले 2 सालों से दोस्तों आर्मी में सोल्जर के तौर पे महिलाओं की भी नियुक्ति होने लगी है, जो कि मिलिट्री पुलिस के लिए भर्ती की जाती है। तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैट्रिक विद 40% मार्क्स एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपके पास में ओनली सिंपल 10th पास अनिवार्य है। 10th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नोट में दोस्तों आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस। तो अगर आप किसी भी डिफेंस पर्सनल, मतलब आपके अगर हस्बैंड आर्मी में थे और वो किसी तरीके से शहीद हो गए हैं, तो आपके ये एज लिमिट ये जो है 17 से 21 नहीं, आप 30 साल की एज तक भी वुमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों काफी काम की वीडियो थी ये, जिसमें मैंने आपके लिए किस ट्रेड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट थी वो कवर करा दिया है। इस वीडियो के 4 पार्ट अभी और रह गए हैं, उनमें मैं आपके लिए इस आर्मी की भर्ती से संबंधित एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और जो इसी भर्ती से संबंधित आगे के 4 पार्ट पब्लिश होने वाले हैं, उनके लिए भी आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।